दोस्तों नमस्कार, मुमताज अली भटनोसा चैनल में आप सभी दोस्तों का स्वागत है। और ये हमारा सेकंड चैनल है जो मुमताज अली भटनोसा चैनल के नाम से प्रचलित है, चल रहा है। अगर दोस्तों आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक करें और दोस्तों में शेयर करें, साथ ही बेल आइकन की घंटी को जरूर दबाएं ताकि हम जो भी वीडियो अपने चैनल पर डालें वो सबसे पहले आपको देखने को मिलता रहे। तो दोस्तों आइए हम इसी के साथ साथ आपको इस चैनल पे प्रोग्राम की जानकारी देंगे। दिनांक 25 मार्च दिन शनिवार सन 2023, दिनांक 25 मार्च दिन शनिवार सन 2023 के प्रोग्राम की जानकारी मैं अपने चैनल पे डालने जा रहा हूँ। विशेष तौर से ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ये 25 मार्च दिन शनिवार का जो हमारा प्रोग्राम है ये फतेहपुर ज़िले में होगा। फतेहपुर ज़िले के अंदर एक गांव है रोशनपुर टिकारी, रोशनपुर टिकारी गांव है और पोस्ट फतेहपुर टिकारी है, थाना खागा है, ब्लॉक एराया है, तहसील खागा है और ज़िला फतेहपुर है। तो मैं इस फतेहपुर टिकारी के रोशनपुर टिकारी की बात कर रहा हूँ। तो हमारे ये मेला का प्रोग्राम है दोस्तों, मेला लगता है वहाँ पे और हम इसके पहले भी मेला का प्रोग्राम वहाँ कर चुके हैं। तो ये मेले का प्रोग्राम है जो मैं आप लोगों को सामने जानकारी दे रहा हूँ। और हमारे मेला के मालिक साहब हैं आदरणीय कज्जन सिंह प्रधान जी हैं, जो प्रेजेंट टाइम में प्रधान हैं, उन्हीं के द्वारा हमारी पार्टी का प्रोग्राम उस मेले में होने जा रहा है। हमारे आदरणीय कज्जन सिंह नंबरदार हैं, प्रधान जी हैं और उन्हीं के द्वारा ये प्रोग्राम बंधा हुआ है और उन्हीं के द्वारा ये प्रोग्राम होने जा रहा है। दोस्तों ये पता है तीर के पुरवा जो घाट है, तीर के पुरवा घाट के सामने एक गाँव है, गंगा पार करने के बाद बहेरा चीली। और जब बहेरा चीली आप पहुंचेंगे तो बहेरा चीली से 5 किलोमीटर पर रोशनपुर टिकारी है। और मैं आपको बता देना चाहता हूं कि हमारा प्रोग्राम रोशनपुर टिकारी में ही होना है प्रॉपरली। जिस गांव रोशनपुर टिकारी है, पोस्ट फतेहपुर टिकारी है, थाना खागा है, ब्लॉक एराया है, तहसील खागा है, ज़िला फतेहपुर है। तो आइए हम घर मालिक का नंबर दे रहे हैं 89-53-67-05-51, 89-67-89 तो हम बता रहे हैं 89-53-67-05-51 ये नंबर है। आइए हम एक एक करके नंबर बता रहे हैं 89-53-67-05-51, तो ये नंबर है दोस्तों, इस नंबर को आप नोट कर लीजिए। आइए हम आपको दूसरा नंबर देते हैं, हो सकता है उस समय ये नंबर रिसीव ना हो सके, अगर ऐसा हुआ तो आपको परेशानी आ सकती है, इसलिए आपको कोई दिक्कत ना हो इस बेसिस पे हम आपको दूसरा नंबर दे रहे हैं 76-07-82-00-14, मतलब 76-07-82-00-14, ये दोनों नंबर है, दोनों नंबरों को नोट कर लीजिए। अगर आप कहीं रास्ता भटक रहे हैं, आपको कोई दिक्कत हो रही है तो आपको किसी के हेल्प की कोई आवश्यकता नहीं है, किसी से कुछ पूछने की ज़रूरत नहीं है, सीधे इसी नंबर पर कॉल कर दीजिए और कॉल करके आप अपनी समस्याओं का निदान कर सकते हैं, समस्याओं को सॉल्व कर सकते हैं और आराम से हमारे प्रोग्राम तक पहुंच सकते हैं। तो दोस्तों ये रहा 25 मार्च दिन शनिवार सन 2023 के प्रोग्राम की जानकारी देने का वीडियो। धन्यवाद दोस्तों। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त महबूब अली भटनोसा नौटंकी के मालिक जनाब मोहम्मद तो देखा
अगर तेरे भुजाओं में ताकत है तो फिर मेरे साथ इसी बातों के लिए नाच था हो गए आओ आओ चाचा जी खबराओ नहीं इसको तभी जूतों से मसल देता हो चंद मिनट में तुमको मैं खत्म कर देता हूं अभी इसी के पद में तुम रहे थे ये तुम्हारा बेटा एक झोंका भी दिलावा का नहीं आ सका सिंह ये तेरा बेटा बेटा नहीं नपुंसक है ऐसा औलाद अगर ठाकुर के पास होता ठाकुर मिटा देता जब ये साला दिलावा का एक झोंका नहीं आ सका तो हमारी बेटी का क्या सामना करेगा लेना ठाकुर जिसे तू नपुंसक कह रहा है मेरा बेटा उठेगा ये मेरा वादा है अगर नहीं उठा तो मैं खुद इसे मिटा दूंगा बेटे राजा आज तेरे बाप की शान और शौकत की बात है जौहर दिखा दे अगर तू नहीं उठेगा तो ये नारायण सिंह भूल जाएगा कि कोई औलाद मेरे पास था मैं तुझे गोली मार दूंगा तू बाजी हार गया बाजी उस दिन मेरे हाथ थी आज भी मेरे हाथ है नहीं ठाकुर नहीं उठेगा राजा आज भी देखे कहा जाता
सिंह, तुम्हें एक ऐसे सोच लिया कि इन बच्चों के खेल को ठा को स्वीकार करके और इसे मान लेगा? नहीं सिंह, नहीं बाजी तेरे और मेरे बीच थी, बाजी तेरे और मेरे बीच होगी। मैं जानता था ठाकुर, मैं जानता था कि ये इस बात को तो स्वीकार नहीं करेगा, और ये बच्चों का खेल था ठाकुर, अब हमारे और तेरे बीच में फैसला चला गया। क्योंकि ठाकुर का पीठ पर ताप सिंह का सर तेरे सामने। ठाकुर अभी भी वक्त है कि अपनी बेटी की शादी हमारे बेटे राजा के साथ कर दीजिए, और आप अपना सर हमारे कदमों पर झुका दीजिए। तेरा सपना साकार नहीं होगा, ठाकुर का सर तेरे सामने कभी नहीं झुकेगा। ठाकुर अगर तुमने अपना सर को ना झुकाया तो मैं भी प्रतिज्ञा करता हूं कि तेरी ही चौखट पे ये डाकू नारायण सिंह अपने प्राण त्याग देगा। मेरे प्रताप सिंह तुम तो वैसे भी हमारी तरफ नहीं हो, बेटा दिलावर फैसला हमारे और नारायण सिंह के बीच होगा, और हम नहीं चाहते कि हमारे और नारायण सिंह के बीच कोई हमारे हवेली का आए। तुम चुपचाप खड़े रहो, तुम्हें रानी मिलेगी। ठीक है चाचा जी। और तुम लोग भी हमारे ही कारिंदे, और हमारे यहाँ के लथायत और पहलवान हमारे नारायण सिंह के बीच कोई नहीं आएगा। और वीर प्रताप सिंह साथियों, फैसला हमारे और ठाकुर रघुवीर प्रताप सिंह के साथ होगा। ठाकुर रघुवीर प्रताप सिंह के ऊपर कोई धोखे से वार नहीं करेगा। राजा बेटे, अगर मैं मर जाऊं, अगर मैं मर जाऊं तो मेरी लाश को यहां से लेकर चले जाना और रानी को छोड़ देना, और आप लोग कोई कुछ ठाकुर रघुवीर प्रताप सिंह को नहीं कहेगा। तीसरे की मौत हो, लेकिन ठाकुर
दिलावर सिंह तेरी बेटी को लेकर भाग रहा है। क्या? दिलावर सिंह मेरी बेटी को लेकर भाग रहा है? नारायण सिंह उसने हमारे वसूलों को तोड़ा है। एक बार दिलावर को मेरे सामने ला दे, फिर उसे मजा चखा दूं कि रघुवीर प्रताप सिंह किस पला का नाम। राजा बेटे, दिलावर सिंह रानी को लेकर भाग रहा है और उसे चाकर खसीट कर जिंदा ठाकुर के समक्ष पेश कीजिए। पिताजी, और मैं ठाकुर का ख्याल रखता हूँ। मैं सुबह जा रहा हूँ। ठाकुर अपने प्राण नहीं त्यागना जब तक कि अपनी बेटी का कन्यादान नहीं कर देना, तब तक आप अपने प्राण नहीं त्यागेंगे। ठाकुर साथियों जलाए जाओ ठाकुर को। तुझे नारायण सिंह ने बचा लिया था, लेकिन आज तुझे दिलावर सिंह के पंजे से कौन बचाएगा? रे मेरा राजा बचाएगा। राजा वो नहीं आ सकता है अब यहाँ। मुझे पूरा यकीन है कि वो आएगा। वो आया तो आज वो भी साला बेमार तुम्हारा जाएगा। तुम्हारा तो तू जाएगा। रानी आज तो मैं अपने दिल की हवस को दूर करूंगा। तेरी हवस कभी तेरी जानी का रस जरूर चूसेंगे। अपने प्राण नहीं त्यागना, मेरा बेटा राजा दिलावर सिंह को लेकर आता ही होगा। दिलावर अपने बाप की तरह तू भी नस्ल का कुत्ता निकला। मैंने मना किया था कि हमारे और नारायण सिंह के बीच कोई नहीं आएगा, फिर भी तूने हमारे साथ। चाचा जी, मैंने ये गोली आप पे नहीं नारायण सिंह पर चलाया था, लेकिन ये गोली आप पे कैसे लग गई चाचा जी? मुझे माफ कर दीजिए चाचा जी, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई है। नहीं दिलावर सिंह, हमारी किताब में गलती की सजा माफी नहीं। नहीं चाचा जी, माथा नहीं चाचा जी। बेटा राजा और बेटी रानी मेरे पास आओ, समय बहुत कम है। तेरा सर अपने कदमों पर झुका दूंगा। ठाकुर देख, तेरी बेटी हमारी बहू बन गई है और अपना सर मेरे कदमों पर झुका दिए। ठाकुर तू बाजी हार गया है। नारायण सिंह
एक बेटी का बाप तो तेरे सामने हार गया, लेकिन ठाकुर रघुवीर प्रताप सिंह का सब जमाने में ना कभी छुपा है और ना झुकेगा। नारायण सिंह बाजी उस वक्त भी हमारे हाथ थी और बाजी आज तुमने अपना सर नहीं झुकाया और मैं भी प्रतिज्ञा किया था कि अगर तेरा सर अपने कदमों पर ना झुका दूंगा तो वो दिन मेरी जिंदगी का आखिरी दिन होगा। ठाकुर तूने हमारे समक्ष अपना सर नहीं झुकाया और ना ही मैंने तेरा सर अपने कदमों पर झुका पाया, इसलिए ठाकुर बेटा राजा देखिए तुम्हारे पिताजी भी एक छत्री थे जो जुबान दे दिया करते थे वो सदैव पूरा किया करते थे, लेकिन आज तुम्हारे पिताजी ने ठाकुर रघुवीर प्रताप सिंह का सर ना झुका सके इसलिए इन्होंने अपने आप को गोली मारकर आत्महत्या कर लिया है। इसलिए अपनी अपनी जगह पे दोनों अटल थे, रघुवीर प्रताप सिंह भी अपने आप को ये समझता था कि मैं किसी के सामने सर नहीं झुकाऊंगा क्योंकि मेरा सर मूली गाजर की तरह कट जाए, बारूद की तरह फट जाए, लेकिन मेरा सर किसी के सामने नहीं झुके और ना आपके पिताजी सर को झुका पाए हैं और ना अपने सर को झुकाया है, इसलिए दोनों अपने वचनों को पूरा करते हुए अपने आप को गोली मार लिया है। अब इन की लाशों को उठाओ और ले चल करके इनका अंतिम संस्कार किया जाए। अहिमीर वक्त